ग्वालियर अंचल में भी नकली नोट का काला कारोबार फल फूल रहा है। ग्वालियर पुलिस ने नकली नोटों को बाजार में खपाने जा रहे आरोपी को गिरफ्त में लिया है। पुरानी छावनी पुलिस ने मुखबिर से मिली खबर के आधार पर रोहन होचिया नाम के आरोपी को नकली नोट के साथ पकड़ा है। पुरानी छावनी तिराहे पर स्कूटर से जा रहे रोहन को दबोच कर उसके पास से 4,700 रुपये कीमत के नकली नोट बरामद किए हैं। रोहन के पास पुलिस ने 200 रुपये के 14 नोट और 100 रुपये के 19 नोट बरामद किए हैं। रोहन बदनपुरा इलाके का रहने वाला है। इस मामले में रोहन का मुंबई से भी लिंक मिला है। पुलिस रोहन से नकली नोट गिरोह के बारे में पूछताछ कर रही है। पुरानी छावनी में एक युवक कल पकड़ा गया है जो कि वहीं बदनापुरा में रहने वाला है। इसकी दुकान है परचून की छोटी सी, और ग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिलने पर इसको पकड़ा गया था। तो इसके पास 4700 रुपए के नकली नोट जो कि मुख्यतः 200 रुपए और 100 रुपए के डिमोनेशन में थे वो पकड़े गए हैं, और इसमें 489 IPC के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है और इसको आज पुलिस रिमांड पे लिया जा रहा है, और जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये जो नकली नोट थे ये कहाँ से लाया, क्योंकि ये नकली नोट के प्रकरणों में सोर्स का पता लगाना बहुत आवश्यक रहता है। आज उसे पूछताछ की जा रही है और हमें उम्मीद है कि हम इंट्रोगेशन में इसके सोर्स का पता लगा लेंगे।